सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IITN स्टडी पॉइंट। आई एम शिवशंकर हंसता, ए थर्ड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट IIT खड़गपुर। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू एन एक्सीलेंट ट्रिक टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वेरी सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, ओके, विच इज गिवन बाय दिस। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ओके, और इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक रेजिस्टर दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू है 12 ओम, और यहाँ पे एक बैटरी है। ओके, एंड इस रेजिस्टर को इस बैटरी के साथ कंडक्टिंग वायर के हेल्प से जुड़ा हुआ है। ओके, तो हमें क्या पूछ रहा है कि इस रजिस्टर के थ्रू इस डायरेक्शन में कितना करंट जाएगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा, ओके, वो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। ओके, वन बाय वन। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन एलिमेंट्स है। ओके, सबसे पहले क्या है, रजिस्टर है। ओके, दूसरा क्या है, एक बैटरी है। तीसरा क्या है, एक कंडक्टिंग वायर है। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे हम स्टार्ट करेंगे, एनालाइज कैसे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इस कंडक्टिंग वायर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कंडक्टिंग वायर का मतलब क्या होता है, कंडक्टिंग वायर एक ऐसा आइडियल वायर होता है। ओके, ये एक ऐसा आइडियल वायर होता है जिसके रेजिस्टेंस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में हम नेगलेक्ट करते हैं। यानी ये जो कंडक्टिंग एयर का रेजिस्टर, कंडक्टिंग एयर के रेजिस्टेंस को हम जीरो मान के चलते हैं। ओके, दैट मीन्स इट इज़ आइडियल एयर। ओके, जिसके रेजिस्टेंस वैल्यू जीरो है। ओके, कंडक्टिंग एयर का रेजिस्टेंस वैल्यू हमेशा जीरो होगा। ओके, तो रेजिस्टेंस वैल्यू जीरो है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल करके आएगा कि ऑल द पॉइंट्स कनेक्टेड बाई ए कंडक्टिंग वायर आर एट सेम पोटेंशियल। ओके, ऑल द पॉइंट्स कनेक्टेड बाई कंडक्टिंग वायर के आर एट सेम पोटेंशियल। ओके, इस कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है। ओके, ऑल द पॉइंट्स कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग एयर आर एट सेम पोटेंशियल, यानी वो सभी पॉइंट जो कंडक्टिंग एयर के हेल्प से जुड़ा हुए हैं, सारे पॉइंट का पोटेंशियल वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ओके, सो यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल वैल्यू अगर जीरो में मान ले, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल भी जीरो होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी जीरो होगा। ये सारे पॉइंट जितने भी पॉइंट से कंडक्टिंग एयर के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। ऑलराइट, तो ये है कंडक्टिंग एयर का कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट आइए देखते हैं बैटरी का कॉन्सेप्ट। ओके, सो बैटरी क्या करते हैं, हमेशा बैटरी एक ऐसा डिवाइस है, ये हमेशा फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। ओके, बैटरी हमेशा फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। ओके, इस चीज़ को आपको अच्छा से ध्यान में रखना है कि इट मेंटेन्स फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल। ओके, देखिए ये सर्किट बहुत ही सिंपल है, लेकिन यहाँ से जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, ये हर जगह किसी भी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने में हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो बैटरी क्या करता है, ये हमेशा फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। अगर मान लेते हैं मेरे पास एक ऐसा एक बैटरी है, ओके, जिसमें ये जो EMF है 6 वोल्ट लिखा हुआ है, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने 5 वोल्ट लिया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होना चाहिए। देखिए ये हमेशा क्या करता है कि पॉजिटिव साइड का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव साइड का पोटेंशियल कितना होना चाहिए, ये EMF के बराबर होना चाहिए। ओके, तो इस साइड का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो मान लेते हैं इस साइड का पोटेंशियल कितना है, 1 से, तो हम लिख सकते हैं 5 - 1 शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 6। ओके, क्योंकि ये हमेशा फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। ओके, इसका पॉजिटिव साइड का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव साइड का पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू हाउ मच, EMF ऑफ द सेल। ओके,
सो 5 - x शुड बी इक्वल टू 6, फ्रॉम दैट आई कैन राइट x टू बी इक्वल टू व्हाट, -1। ओके, तो अगर इस साइड के पोटेंशियल 5 वोल्ट होगा तो इस साइड के पोटेंशियल कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए, क्योंकि इस साइड के पोटेंशियल माइनस इस साइड के पोटेंशियल हमेशा शुड बी इक्वल टू हाउ, 6 वोल्ट। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, इस चीज़ को आपको अच्छा से ध्यान में रखना है। ओके, इसको आपको हमेशा यूज करना है। ओके, बैटरी हमेशा फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। ओके, पॉजिटिव साइड का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव साइड का पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू हाउ मच ईएमएफ। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, इस चीज़ को आपको अच्छा से ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, ऑल द पॉइंट्स कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर आर सेम पोटेंशियल। कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है क्या है कि बैटरी हमेशा फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा। ओके, उसके बाद ये रजिस्टर देख लेते हैं। ओके, अगर मेरे पास एक ऐसा रजिस्टर है। ओके, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ओके, रेजिस्टेंस का वैल्यू मान लेते हैं आर। ओके, तो ये रजिस्टर कैसा रजिस्टर है, ओमिक रजिस्टर, यानी ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। तो अगर मुझे इस डायरेक्शन में कितना करंट जा रहा है इसको फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, आई फॉलोइंग फ्रॉम ए टू बी शुड बी इक्वल टू हाउ मच, वी ए माइनस बी बी अपॉन आर। ओके, आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको इस डायरेक्शन का करंट फाइंड आउट करना है तो आपको वी ए माइनस बी बी अपॉन आर लिखना है। ओके, अगर आपको इस डायरेक्शन में कितना करंट जा रहा है इसको फाइंड आउट करना है। ओके, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट करंट फ्लोइंग फ्रॉम बी टर्मिनल टू ए, देन यू हैव टू राइट वी बी माइनस वी ए अपॉन रेजिस्टेंस वैल्यू। ओके, ये है ओम्स लॉ। ओके, हम लिखते तो आई इक्वल टू वी बाई आर, लेकिन इसको हम ऐसे लिखते हैं। एक्चुअल में ये ऐसा है कि अगर आपको करंट ए टू बी फाइंड आउट करना है, देन यू हैव टू राइट वी ए माइनस वी बी अपन रेजिस्टेंस वैल्यू। अगर आपको करंट बी टू ए फाइंड आउट करना है, देन यू हैव टू राइट वी बी माइनस वी अपन आर। ओके, आइए, तो ये हम तीन प्रॉपर्टी हम पढ़ लिया। ओके, ये कंसेप्ट नंबर 1 है कि ऑल द पॉइंट्स कनेक्टेड बाई कंडक्टिंग वायर आर सेम पोटेंशियल। दूसरा कंसेप्ट है बैटरी का कंसेप्ट, बैटरी हमेशा फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है अक्रॉस इट्स टर्मिनल। पॉजिटिव साइड का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव साइड का पोटेंशियल कितना होना चाहिए, ईएमएफ के बराबर होना चाहिए। ओके, और रजिस्टर के रजिस्टर हमेशा ओम्स लॉ फॉलो करता है। तो आपको चाहिए किस डायरेक्शन, कहाँ से कहाँ कौन सा करंट चाहिए, अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट द इक्वेशन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करंट। ओके, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हम किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल को जीरो मान लेते हैं। ओके, मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने जीरो मान लिया। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 अप्लाई करूँगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है ना, ऑल द पॉइंट्स कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर आर एट सेम पोटेंशियल। ओके, तो जैसे मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 1 अप्लाई किया, इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो वोल्ट है, इसका मतलब ये पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होगा, ये पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होगा, ये पॉइंट का पोटेंशियल जीरो, ये सारे पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होगा। अल्टीमेटली ये वाला जो पॉइंट होगा, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट ए है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो वोल्ट हो जाएगा। ओके, सिमिलरली इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है, मतलब ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। यहाँ पे अब क्या करना है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमें अप्लाई करना है, यानी बैटरी का कॉन्सेप्ट। बैटरी हमेशा क्या करता है, फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। ओके, इसका पॉजिटिव साइड का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव साइड का पोटेंशियल कितना होना चाहिए, ईएमएफ के बराबर होना चाहिए। तो आप जैसे ही देख सकते हैं पॉजिटिव साइड का पोटेंशियल कितना है, जीरो है। मान लेते हैं इस साइड का पोटेंशियल एक्स है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, जीरो माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू ईएमएफ 20 वोल्ट। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू -20 वोल्ट, यानी इस साइड का जो पोटेंशियल हो जाएगा कितना हो जाएगा, -20 वोल्ट। ओके, तो अगेन हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 को अप्लाई करना है। जैसे ही इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो वोल्ट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, कंडक्टिंग एयर है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी जीरो होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी -24 होगा, इसका भी -24, इसका भी -20, ये सारे पॉइंट का भी जो भी कंडक्टिंग एयर के माध्यम से जुड़ा हुआ है, सारे पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होगा। ये फाइनल यहाँ पे अगर पॉइंट बी है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, -24 वोल्ट। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन में मुझे क्या पूछ रहा है, करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, अगर मुझे इस डायरेक्शन का करंट फाइंड आउट करना है तो मेरा जो फॉर्मूला क्या होगा, मुझे पहले इस पोटेंशियल को लिखना है। ओके, वी बी माइनस वी ए शुड बाई अपन क्या, रेजिस्टेंस 12। सो वी बी कितना है, -24 माइनस जीरो बाई रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है, 12। सो इट विल बी -2 एम्पियर। ओके, सो इस डायरेक्शन में कितना करंट जा रहा है, -2 एम्पियर। ओके, इसका मतलब इस डायरेक्शन में 2 एम्पियर जा रहा है। ओके, सो ये तीन कॉन्सेप्ट को यूज करके आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू।